वेलकम गाइस, आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईपीएल का 31 नंबर मैच खेला जाएगा इस मैच के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस मैच में अपनी ग्रैंड लीग का एक यूनिक टीम बनाना चाहते हैं या स्मॉल लीग का एक बेहतरीन टीम बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरे कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे प्लेयर्स के बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको टीम बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, साथ साथ हर एक प्लेयर का स्टार्ट्स इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा और बताऊँगा, जिससे आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप अपनी बेहतरीन टीम बना सकते हो। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आज वाले इस मैच में कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे आप सीबीसी बना सकते हो। आज वाले इस मैच में 3-4 ऐसे ट्रंप खिलाड़ी बताऊंगा जिसको आप जीएल टीम में पिक करके एक अच्छा टीम बना करके टॉप 10 रैंक में आ सकते हो। तो ध्यान से वीडियो को देखना, पूरे कंप्लीट देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपका लॉस होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से इजीली जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मैच का जो भी अपडेट्स आएंगे टॉस के पहले, वो सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ जो टॉस के बाद में फाइनल टीम आपको मिलेगी जीएल का, स्मॉल लीग का, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। टॉस के बाद में मैं जो फाइनल पिच रिपोर्ट होता है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ, तो आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, इजीली टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। दोस्तों, ये जो मैच है खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। आईपीएल का 31 नंबर मैच खेला जाएगा, 16 अप्रैल को मैच है, जो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 बजे शाम में मैच स्टार्ट हो जाएगी। ये मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में, जो कोलकाता का होम ग्राउंड है। कोलकाता को इस ग्राउंड पे एडवांटेज मिलने वाला है, तो आगे आपको पता चलेगा कि कौन से टीम मैच को विन कर सकती है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे दोनों टीमों का रिसेंट परफॉर्मेंस। जो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है, लास्ट 5 मैच में 1 मैच को लॉस किया है, बाकी 4 मैच को विन करके आ रही है। लास्ट वाली मैच भी विन करके आ रही है। सेम कंडीशन है राजस्थान की टीम, जो लास्ट 5 मैच में 4 मैच को विन किया है और 1 वाली मैच जो है लॉस करके आ रही है, लास्ट वाली मैच को विन किया है। दोनों टीम आपस में स्ट्रांग है, बट कोई ना कोई टीम यहाँ पे लॉस करेगी और कोई ना कोई टीम जो है विन करेगी। आप किसके फेवर में टीम बनाओगे, किसके प्लेयर्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें के बारे में हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड। आपस में ये दोनों टीम जो है 17 बार मुकाबला खेले हैं, जिनमें 14 मैच जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने विन किया है और राजस्थान की जो टीम है 13 मैच को विन किया है। अगर लास्ट 10 मैच की देखें तो यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का जो टीम है 6 मैच को विन किया है, राजस्थान ने 4 मैच को विन किया है। ठीक है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है इसको एडवांटेज है, होम ग्राउंड का भी एडवांटेज मिलेगा, हेड टू हेड में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, तो ये मैच कोलकाता विन कर सकती है। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पे जो 10 मैचेस खेले गए हैं उसमें विकेट्स कितने गए हैं। सो गाइस, देखो इस ग्राउंड पे 120 विकेट गए हैं, जिनमें 65 विकेट्स जो है पेसर बॉलर्स को मिल रहे हैं, स्पिनर्स को 55 विकेट्स मिल रहे हैं, यानी इक्वल है, बट स्पिनर्स को उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि बैटिंग ग्राउंड है और बैट्समैन को हेल्प मिलेगी। पेसर बॉलर्स को यहाँ पे अधिक एडवांटेज है, पेसर को आपको अपने टीम में लेके चलना है, बट कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं जिसको आपको भूल के भी ड्रॉप नहीं करना है, आगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस ग्राउंड का जो स्टैट्स है उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालेंगे। दोस्तों, इस ग्राउंड पे 88 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 37 मैच जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम विन किया है, सेकंड बैटिंग करते हुए जो चेजिंग की है टीम, उन्होंने यहाँ पे 51 मैच को विन किया है। लास्ट वाली मैच भी यहाँ पे चेज हुआ था, तो ये चीज़ें आपको समझना है
कि अगर कोई भी टीम यहाँ पे टॉस विन करती है पहले बॉलिंग करने की फैसला करेगी और उसी टीम की एडवांटेज रहेगी मैच को विन करने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम का जो एवरेज स्कोर है 164 का मिलेगा और चेन्नई सुपर किंग का जो टीम है इस ग्राउंड पे 235 का हाईएस्ट स्कोर किया हुआ था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है 49 रन पे ऑल आउट हो गई थी, लोएस्ट स्कोर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है, लोएस्ट भी बन रहे हैं हाईएस्ट स्कोर भी बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन 88 जो मैचेस खेले गए हैं इनमें से 150 से नीचे 27 बार स्कोर गए हैं, ठीक है। वहीं 150 से 169 जो है 19 बार स्कोर गए हैं और 170 से 189 जो है 27 बार स्कोर गए हैं, 190 के पार जो है 15 बार स्कोर गए हैं, ठीक है। लास्ट वाली मैच में भी हाईएस्ट स्कोर देखने को आपको मिला होगा और जिसके वीडियो मैंने अपलोड किया था, वीडियो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि ये जो मैच है हाई स्कोरिंग होने वाला है। ये भी मैच है, आज वाली मैच हाई स्कोरिंग आपको देखने को मिल सकता है, बल्लेबाजों को पूरी तरह से हेल्प मिलती है इस ग्राउंड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो बन रहे हैं 170 से 189 27 बार स्कोर बने हैं। अगर दो वीक टीम के बीच या फिर एक वीक स्ट्रॉन्ग टीम के बीच मुकाबला हो इस ग्राउंड पे, अगर वीक टीम पहले बॉलिंग कर रही है पहले बैटिंग कर रही है तो फिर स्कोर आपको कम देखने को मिलेगा, बट ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम है तो हाईएस्ट स्कोर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बैट्समैन को फेवर करके चलेंगे लेकिन बॉलर्स भी हमें रखने हैं, कौन से बॉलर्स रखने हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोनों टीमों का प्रोबल प्लेइंग 11। सो गाइस देखो इस प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हो सकता है जिसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं और जो फाइनल बैटिंग ऑर्डर होती है सब्स्टिट्यूट प्लेयर की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, ठीक है। तो जुड़ जाना। देखो यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स से फिलिप चाल, सुनील नारायण ओपन करेंगे, अंकरिश है और रघुवंशी ये टू डाउन वन डाउन आएंगे, सिरेश अय्यर टू डाउन, वेंकटेश अय्यर है, इसके बाद में आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह है, मैचिल स्टार्क है, वैभव अरोरा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती है, ठीक है। देखो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जो है ये दोनों प्लेयर ओपन करेंगे राजस्थान से, वन डाउन पे आएंगे रियन प्राग जो काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में है, और इसके बाद में है ध्रुव जुरेल, सिमरन हेडमेयर, रोबेन पोवेल है, केशव महाराज, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, युजवेंद्र चहल, कुलदीप सेन है, ठीक है। ये दोनों टीमों का प्रोबल प्लेइंग 11 है। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेयर है आपके लिए इस मैच में, यहाँ से आप कोलकाता नाइट राइडर्स से देखें तो दोनों ही ओपनर प्लेयर जो है अच्छे फॉर्म में है, अच्छा फॉर्म में है, अच्छे रहेंगे आज वाले इस मैच में, ठीक है। जीएल के टीमों में आप किसी टीम से नारायण को ड्रॉप करना क्योंकि आज वाले मैच में बॉलिंग से उतनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा बट बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है, ठीक है। इसके बाद में टू डाउन जो प्लेयर आपको मिलेंगे सिरेश अय्यर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेंकटेश अय्यर को आप जीएल टीमों में ट्राई करना और आंद्रे रसेल को जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, ठीक है। मिचेल स्टार्क है, अगर सामने वाली टीम से यहां पे जसवी और संजू ओपनर को रख रहे हो तो मिचेल स्टार्क को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी यहां पे वैभव अरोरा है, डेथ में बॉलिंग करेगा तो इस प्लेयर को आपको लेना है, वरुण चक्रवर्ती आपके लिए इम्पोर्टेंट है सामने में, सामने वाली अपोजिट जो टीम है इसमें टॉप ऑर्डर में जायसवाल हो गया और यहाँ पे आपको सिमरन हेडमेयर, ये दोनों लेफ्टी बल्लेबाज है तो लेफ्टी बल्लेबाज जो है लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज के सामने फंसता है तो वरुण चक्रवर्ती को आज विकेट्स मिल सकता है, इसलिए आप इस स्पिनर गेंदबाज को आप जीएल टीमों में जरूर से ट्राई करेंगे। हम तो अपने स्मॉल लीग में भी लेके जाएंगे बट आप जीएल में जरूर से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब बात कर ले राजस्थान की टीम से तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, यशस्वी को उतना अच्छा फॉर्म नहीं है बट संजू का फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है, कैप्टन वाइस कैप्टन करके जा सकते हो। रियान प्राग भी काफ़ी बेहतरीन लेवल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल को आप टीम मतलब कि जीएल टीमों में ही ट्राई करना, सिमरन हेडमेयर अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो हेडमेयर के साथ आप जा सकते हो जीएल में, केशव महाराज इस टीम से सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है स्पिनर, एकलौता लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सामने वाला टीम में आपको काफ़ी राइट हैंडर बल्लेबाज मिलेंगे जिनके सामने बॉलिंग डालेगा तो ऑब्वियसली ये विकेट निकाल के आपको दे सकता है, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट है, अगर आप फिलिप साल्ट, सुनील नारायण को रख रहे हो तो ट्रेंट बोल्ट को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, या फिर आप इस किसी ओपनर से आप एक प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो तो फिर आप बोल्ट को अपने टीम में लेके जाना क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, फिर आपको मिडिल ऑर्डर में भी बॉलिंग करते हुए नजर आ सकता है। आवेश खान है, डेथ में बॉलिंग करेगा, युजवेंद्र चहल सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पिनर है युजवेंद्र चहल है, इसे किसी भी ग्राउंड पे लेके जाओ ये बंदा विकेट निकाल के आपको देता है। आगे आपको पता चलेगा इसका रिसेंट फॉर्म जो है काफी बेहतरीन है,
कुलदीप सेन है, पेसर गेंदबाज, डेथ में बॉलिंग करता है। ये प्लेयर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं प्लेयर स्टार्स, तो देखो यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स से ये दोनों ओपनर जो बल्लेबाज है, दोनों का फॉर्म अच्छा है, दोनों को आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं। बट फिलिप साल्ट को अपने टीम में रखना और जीएल में आप सुनील नारायणे को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। आगे आपको मिलेंगे यहाँ पे अंक क्रिस, जिसको आप जीएल में ट्राई करना। रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है बट पिछले दो मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आप अंक क्रिस को भी अपने टीम में लेके जा सकते हैं, ठीक है, जीएल टीमों में। श्रेयस अय्यर को आप दोनों कंडीशन में रख सकते हो, बैटिंग करे या बॉलिंग करे टीम, स्मॉल लीग और जीएल में दोनों में ट्राई करना। रिसेंट फॉर्म जो है ठीक ठाक है, एवरेज परफॉर्मेंस है और इस ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस है और वेन्यू पे भी सॉरी हेड टू हेड में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। आगे आपको वेंकटेश अय्यर मिलेंगे, जीएल टीमों में ट्राई करना। हेड टू हेड में एवरेज परफॉर्मेंस है बट इस ग्राउंड पर उतनी हेल्प नहीं मिल रही है, ठीक है। आंद्रे रसेल जो टीम का मतलब कि टीम से बॉलिंग बैटिंग दोनों जगह से आपको बेनिफिट देने वाला है, चार ओवर पूरे बॉलिंग का बैकअप है और बैट्समैन अच्छा है, ठीक है। आपने देखा इसी आईपीएल में यहाँ पे देखो 41 का स्कोर है, 64 का स्कोर है, ठीक है, दो विकेट भी है, तो आप जीएल में सीबीसी भी कर सकते हो। आगे आपको मिलेंगे यहाँ पे रमनदीप सिंह, जिसे आप आसानी से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मिचेल स्टार को मैंने बता दिया, अगर सामने वाली टीम से ओपनर को रख रहे हो तो स्टार को आप ड्रॉप करना, रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है, 3 विकेट 0 2 विकेट। और यहाँ पे लेकिन देखो यहाँ पे भाई लास्ट जो 5 मैच खेला है ना, इसमें 3 मैच में अच्छा फॉर्म में है, सॉरी 2 मैच में और 3 मैच में विकेट लेस है, ठीक है, तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ओनली ऑन जीएल टीम से स्मॉल लीग में आपको पिक करके चलना है, ठीक है। आगे आपको वैभव अरोरा मिलेंगे, रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट है, ठीक है, हेड टू हेड में नहीं खेले हैं और इस वेन्यू पे 5 में 6 विकेट है। इस प्लेयर को आप जीएल स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। हर्षित राणा का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है बट हेड टू हेड में सॉरी यहाँ पे वेन्यू पे 6 मैच खेले जिनमें 7 विकेट है, डेथ में बॉलिंग करता है, तो जीएल में ट्राई करना, सिलेक्शन परसेंटेज आपको कम देखने को मिलेगा। वरुण चक्रवर्ती को मैंने आपको बता दिया, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है लेकिन इस ग्राउंड पे 10 मैच खेले जिनमें 13 विकेट है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है, तो आप जीएल टीमों में ट्राई करके जा सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे यशस्वी का, राजस्थान रॉयल्स से, तो रिसेंट फॉर्म जो है एवरेज है, यानी कि रिसेंट 5 जो मैचेस खेले उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लास्ट वाली मैच में सब्स्टिट्यूट में 39 का स्कोर किया है, तो आप इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्लेयर को कि 50+ स्कोर आपको बना के दे सकता है। इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में भी 60 कवरेज है, ठीक है। संजू सैमसन है, बेहतरीन प्लेयर है, ये प्लेयर जो है इस साल आईपीएल में काफ़ी मतलब कि बेहतरीन फॉर्म में है, देख सकते हो रिसेंट फॉर्म कितना ज़बरदस्त है, इस प्लेयर को आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं। इस ग्राउंड पे 45 के एवरेज से बैटिंग करते हैं, हेड टू हेड में 32 का एवरेज है, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे रियन पराग, ये प्लेयर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हेड टू हेड में यहाँ पे 14 का एवरेज है लेकिन इस ग्राउंड पर 67 के एवरेज से ये बंदा बैटिंग करता है, ठीक है, तो स्मॉल लीग में सीबीसी के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। ध्रुव जुरेल है, जीएल टीमों में ट्राई करना, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। सेमरॉन हेटमेयर है, मैंने ये आपको बता दिया, अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है तो जीएल टीमों में आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। रोबेन पॉवेल है, रोबेन पॉवेल बॉलिंग भी करता है, तो देख लेना जीएल के कुछ टीमों में लेके जाना, स्मॉली के लिए आपके रिस्की रहेंगे, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे केशव महाराज, केशव महाराज को मैंने आपको बता दिया, देखो रिसेंट फॉर्म जो है उतना अच्छा नहीं है बट ये प्लेयर जो है विकेट्स आज वाले इस मैच में निकाल सकता है, 4 ओवर पूरे बॉलिंग करेगा, सामने वाली टीम में राइट हैंडर्स बल्लेबाज काफ़ी है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, समझ गए आप। ट्रेंट बोल्ट है, ट्रेंट बोल्ट को भी मैंने आपको बताया है कि अगर अपोजिट टीम से ओपनर बल्लेबाज को रख रहे हो तो फिर बोल्ट को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन इस ग्राउंड पर हेड टू हेड का जो सॉरी 8 मैच खेला है उसमें 8 विकेट है और हेड टू हेड में 9 मैच खेला 13 विकेट है, ठीक है, तो देख लेना जीएल में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो बट स्मॉल लीग में आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं। आगे आपको मिलेंगे अवेश खान, जो डेथ में बॉलिंग करेगा, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, इस ग्राउंड पे 1 मैच खेला, 1 विकेट, हेड टू हेड में काफी बेहतरीन है, 6 मैच में 10 विकेट है, ठीक है, तो आप अपने टीम में ऑब्वियसली लेके जा सकते हैं। वाइड फॉल्ट युजवेंद्र चहल को भी आप अपने टीम में हर हाल में रखना है, दोनों कंडीशन में, ठीक है, देख सकते हो रिसेंट फॉर्म, हर मैच में बंदे को विकेट मिला है, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, ठीक है, लास्ट वाली मैच में 1 विकेट निकला है। हेड टू हेड के 16 मैच में 25 विकेट है और वेन्यू पे 6 मैच में 8 विकेट है, इस प्लेयर को आप अपने टीम में जरूर से रखेंगे। आगे आपको मिलेंगे कुलदीप सेन, जो डेथ में बॉलिंग करेगा, रिसेंट फॉर्म भी ठीक है, लास्ट 5 मैच में 1 मैच में विकेट लेस, बाकी सारे के सारे मैच में बंदे को विकेट मिला है, हेड टू हेड में 1 विकेट है और वेन्यू पे नहीं खेला है, इस प्लेयर को आप जीएल टीमों में
जरूर से ट्राई करना। सारे प्लेयर्स का स्टार्ट्स इन्फॉर्मेशन पिच रिपोर्ट क्या है हर चीज़ मैंने आपको क्लियर दिखा दिया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टीम प्रीव्यू की। ये दोनों जो टीम आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है ये दोनों जीएल का टीम है, जिसमें मैंने पहला टीम में दो विकेट कीपर को रखा है, संजू सैमसन है और फिलिप साल्ट है, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से सिरेश अय्यर, एजस्वी है और ऑलराउंडर में रसेल है और यहाँ पे रियन प्राग है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, केशव महाराज और वैभव अरोरा, हर्षित राणा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे कैप्टन जो मैंने किया है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रसेल और वीसी है यशस्वी जायसवाल, ठीक है। सेकंड टीम में मैंने दो विकेट कीपर को रखा है जो यहाँ पे संजू सैमसन है और फिलिप साल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से ओनली एक सुरेश अय्यर है, ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे सुनील नारायण है और अंद्रे रसेल, रियन प्राग है और बॉलिंग सेक्शन में एम स्टार्क, युजवेंद्र चहल, केशव महाराज, आवेश खान, वरुण चक्रवर्ती है, जिसमें मैंने कैप्टन किया हुआ है रियन प्राग को और सुरेश अय्यर जो है वीसी है, ठीक है। ये दोनों जीएल कॉम्बिनेशन है बट ये फाइनल नहीं है, टॉस के बाद में इसमें चेंजेस हो सकते हैं, जिसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। जो फाइनल स्मॉल लीग की टीम होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई डाउट हो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।